वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं आपके साथ सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू ही नहीं करूंगी, मैं उसकी डेमोंस्ट्रेशन भी आपको दिखाऊंगी। गुड वाइब्स की एक्टिवेटेड चारकोल डीप क्लींजिंग फेस मास्क। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पैकेजिंग। ये एक ग्लास जार में है विद अ गोल्डन लीड, जो कि बहुत पसंद आया मुझे। पैकेजिंग काफी स्टर्डी है और ट्रेवल फ्रेंडली भी है। बस एक बात है गाइस कि ग्लास जार होने की वजह से का वजन थोड़ा ज्यादा लगता है। आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि जो वजन है वो प्रोडक्ट की है या फिर कंटेनर की। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ग्लास कंटेनर्स आर ऑलवेज गुड देन प्लास्टिक कंटेनर्स, तो इसीलिए मुझे इसका जो पैकेजिंग है वो काफी अच्छा लगा। सो इसकी कंटेंट है 50 ग्राम और इसकी प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ है ₹225, लेकिन purple.com में ये मुझे ₹180 में मिला। और इसे आप मैन्युफैक्चरिंग डेट से 2 ईयर्स तक यूज कर सकते हो। तो चलिए अभी मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। आप देखिए इसे ओपन करते ही एक लिड दिया हुआ है सेफ्टी के लिए, ताकि ये प्रोडक्ट इधर उधर गिर ना जाए। ये है प्रोडक्ट, इसे मैंने ऑलरेडी 2 टाइम्स यूज की है, ये आपको थोड़ा कम लग रहा है। और प्रोडक्ट की कलर है डार्क ग्रे। इसकी कंसिस्टेंसी आपको मड की तरह लगेगा, स्मूथ मिट्टी जैसा होता है वैसा ही है इसका कंसिस्टेंसी। आपको स्किन में अप्लाई करने में जरा भी दिक्कत ही नहीं होगी। और ये वाला जो प्रोडक्ट है ये ऑल स्किन टाइप के लिए बना है। चलिए मैं आपको अभी इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। मैं इस प्रोडक्ट को अपनी फिंगर से ही लूंगी, क्योंकि अगर मैं इसे ब्रश से लेती हूँ तो फिर प्रोडक्ट जो है वो आधा ब्रश में ही वेस्ट हो जाएगा। और एक बात गाइस कि बिफोर अप्लाइंग दिस मास्क आपको अपनी फेस को अच्छी तरह से फेस वॉश से क्लीन करनी है। आप देख सकते हो अभी मेरे फेस में कुछ भी नहीं है, तो अभी मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ। चारकोल पैक फेस के लिए इसीलिए अच्छा है क्योंकि दिन भर में जो भी टॉक्सिन, डर्ट, पोल्यूशन आपके स्किन की पोर्स को क्लॉग करता है, आपकी स्किन को डल बनाता है, ये चारकोल पैक आपके स्किन की पोर्स से डर्ट को खींच के बाहर निकालता है। एंड स्किन के पोर्स में ज़्यादा ऑयल सिक्रेशन एंड डर्ट होने की वजह से पोर्स बड़ा होने लगता है। तो आफ्टर यूजिंग दिस पैक आपकी पोर्स भी मिनिमाइज हो जाएगी एंड स्किन भी ब्राइटन दिखेगी। अभी मैं इसे 10 मिनट्स के लिए ऐसे ही रखूंगी, फिर मैं इसे हल्के हाथों से मसाज करके वॉश कर दूंगी। तो मिलती हूँ आपसे 10 मिनट्स के बाद। 10 मिनट्स हो गए हैं गाइस, आप देख सकते हैं ये पूरा ड्राई नहीं हुआ है। इसी टाइम पे मैं इसे हल्के हाथों से मसाज करके वॉश कर लूंगी। तो मैंने अपनी फेस को अच्छी तरह से वॉश कर ली है। आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ब्राइट दिख रही है। और मैं आपको बता दूँ ये वाला जो प्रोडक्ट है ये आपके स्किन में अगर आपको पिंपल्स हो तो ये उसे भी क्योर करने में मदद करता है। और आफ्टर यूजिंग दिस मास्क मुझे बिल्कुल भी अपनी स्किन में कोई भी ड्राइनेस नहीं लग रहा है। जनरली क्या होता है, मास्क अप्लाई करने के बाद जब हम उसे वॉश करते हैं हमारी स्किन थोड़ा ड्राई हो जाता है, तुरंत हम लोगों को एक मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है मुझे, मेरी स्किन बहुत ही सपल एंड सॉफ्ट लग रही है। तो मुझे ये वाला जो प्रोडक्ट है बहुत बहुत पसंद आया, मस्ट बाय प्रोडक्ट है गाइस। आप ज़रूर इस प्रोडक्ट को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको ये वाला प्रोडक्ट कैसा लगा। और अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कैसा लगा आपको आज की मेरी ये वीडियो ज़रूर ज़रूर लिखिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन टाटा बाय एंड गुड नाइट।